और यहाँ पे ये एक लड़की है और ये भी एक लड़की है, और इन दोनों का कहानी है कि ये मतलब हस्बैंड है और ये वाइफ है, और ये थोड़ा अचंभों वाला बात है कि आप हम में से लोग दोनों भी में से किसी का सही। शादी हुआ था कि नहीं? हाँ आपका हुआ था? हाँ एक किससे हुआ लड़का था? से शादी हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद वो लड़का से हम प्यार हो गया था तो शादी कर लिए थे। वो लड़का का जब हम घर गए थे तो तो आपको उनसे भी प्यार हुआ था, इनसे भी प्यार हुआ, एक जगह तो आप छोड़ दी, फिर इनको कैसे आप छोड़ दी? ना ये सब पूछने से हमको मारता था, पीटता था, खाना नहीं देता था, इसलिए हम वहाँ से चले आए। उसी टाइम से लड़का से हम देखते हैं तो मतलब लड़का को देखते थे एलर्जी टाइप का हो जाता है मेरे को, इतना ना दुख दिया है। तो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और साथ में रहेंगी, उसके बाद हाँ ऑटोमेटिक साथ छोड़ना पड़ेगा, उसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा? ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा, ये तो आप बोल रहे हैं। हम मैं लोग नहीं इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ेंगे, हम लोग कि नहीं छोड़ेंगे तो आप हम लोग को छुड़ा देंगे। वो अच्छा मैम, आप लोग जैसे दोनों यंग है तो दोनों के अंदर जो कुदरती फीलिंग आता है उसका क्या कीजिएगा आप लोग, आप बताइए ना वो जो लड़का लड़की के साथ जो फीलिंग्स होता ना? हाँ वही मान वही लिया। हम लोग का ऐसा फील नहीं आता है कि लड़का जो लड़की के साथ काम करता है वो टाइप का फील नहीं आता है। हम ना दोनों ना, ये तो से कुदरत हमें बना ही दिया, ऐसा कि फील आएगा ही ना, आप बोलने से फील थोड़े ना होगा। फील आता नहीं है, ये बात गलत है। फील आता है, दोनों में फील आता तो है। भाई तो ये बोला हाँ जाता ही नहीं है। फील आता है, हम बता रहे हैं फील आता है। हम दोनों में ऐसा है जो हम लोग लेस्बियन है, हम लोग का जो जो हार्मोन होता है कम है, हम लोग का कम है। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं, कैसे हम दोनों में सेक्स मतलब अपने ऐसा आप को बर्दाश्त करके। बर्दाश्त करते हैं वो बात तो सही है। सेक्स हम लोग का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ सस्तक पे। आज मैं आया हूँ गोपालगंज के माझा बाजार पे, और यहाँ पे ये एक लड़की है और ये भी एक लड़की है, और इन दोनों का कहानी है कि ये मतलब हस्बैंड है और ये वाइफ है, और ये थोड़ा अचंभों वाला बात है क्योंकि हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, छपरा से मैं आया हूँ इन लोगों का न्यूज़ बनाने के लिए और इनके जीवनी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये लोग जो रास्ता चुने हैं ये रास्ता बहुत मतलब कठिन होने वाला है आगे चल के, क्योंकि ये दोनों अगर लड़की अगर कहीं जाएंगे मार्केट में तो इन दोनों को बहुत कमेंट का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ता भी होगा, जो कि ये लोग खुद बताएंगी, तो आगे इनका लाइफ कैसे कटेगा ये खुद बताएंगी। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना करण है। आपका नमस्ते, मेरा नाम दीपा पात्र। अच्छा, आप लोग ये जो लाइफ चुने हैं क्यों चुने हैं? जैसे हम तो छोटा से हम लड़के खानी लड़का खानी रहते हैं तो पापा भी हमको ऐसे रखता है। तो पहली बात है हम नहीं लेस्बियन है रहने हम। से वो बात सही है, आप समाज को भी देखेंगी ना कि आप मार्केट में निकलेंगी इनको लेके तो लोग क्या बोलेंगे, ये सब सोचिए। हाँ सोच नहीं है, पहले पहले जब हम लोग रहते थे, पहले पहले हम लोग का जब शादी हुआ था, 1 साल हुआ है हम लोग का शादी का। 1 साल मतलब बहुत होता है, तो 1 साल हुआ है मेरा शादी का। आप एक पहले साल से पहले साथ में हैं? हाँ ये हम लोग 5 साल से साथ में है, 6 साल पहले है हम लोग शादी किए हैं। अच्छा, इससे पहले आप हम में से लोग दोनों में से बेस्ट किसी का फ्रेंड। शादी हुआ था कि नहीं? हाँ आपका हुआ था? हाँ एक किससे हुआ लड़का था? से शादी हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद वो लड़का से हम प्यार हो गया था तो शादी कर लिए थे। वो लड़का का जब हम घर गए थे तो आपको उनसे भी प्यार हुआ था, इनसे भी प्यार हुआ, एक जगह तो आप छोड़ दी, फिर इनको कैसे आप ना चुन आप बात सुनिए पूरा। तो उसका लिए? जब घर दो गए प्यार जो नहीं हो लड़का सकता है। अच्छा लाइफ में अभी कितना कोई को मतलब प्यार कर रहे हैं। ना, ये तो मैं रियल पूछ रहा हूँ ना, देखिए जो आप लोग चुनी है ये एक आसान काम नहीं है, एक तो आपका भी लाइफ ख़राब होगा इनका भी लाइफ ख़राब होगा, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ना बहुत नसीब वालों को मिलता है इंसान का शरीर, और आप दोनों ऐसे चुने हैं जैसे दोनों ख़राब ना करना ना है। हम तो लड़का से शादी किए थे, प्यार करते थे तो लड़के शादी में कर क्या लिए दिक्कत थे। हो गई आपको? तो जब हम लड़का के घर गए थे तो उसके बाद 1 हफ्ता तो ठीक था, शादी के पहले पहले ठीक था। उसके बाद देख रहे हैं कि ये वो दूसरे लड़के का सच चक्कर चला रही थी। उसके बाद हम अपना आँखों से देखे हैं तो हम उसको पूछे हैं कि ये क्या हो रहा है, हम तो तुम हमसे प्यार करते हो, हमसे शादी किए हो, तो क्यों ये सब कर रहे हो। ये सब पूछने से हमको मारता था, पीटता था, खाना नहीं देता था, इसलिए हम वहाँ से चले आए। उसी टाइम से लड़का से हम देखते हैं तो मतलब लड़का को देखते थे एलर्जी टाइप का हो जाता है मेरे को, इतना ना दुख दिया है। तो लड़का से वो हमको दिए तो आपके नज़र और भी तो लड़का हो सकते थे ना, लड़का को में ना ना थोड़े है, जब उसके लिए हर लड़की एक है तो लड़का, आपके हम लिए नहीं बोल रहे कि हर एक लड़का एक जैसा होता है। लड़का से हम लड़का इतना कष्ट दिया है ना, तो लड़का से हम मतलब वो हो गया है कि लड़का की तरफ मतलब ये नहीं सोचते कि लड़का मतलब से इनको शादी लड़का से करेंगे। थोड़ा डर टाइप का हो गया है, हो सकता है और कोई ज़्यादा टॉर्चर करेगा तो किसी का हो सकता है कि नहीं? जी ऐसे अच्छा ही मतलब मैम, हुआ है। अच्छा चलिए आपका तो फीलिंग हम लोग समझ गए, आप क्यों चुनी हैं आप अपना लाइन? जैसे हम पहले भी बता चुके हैं जो हम लेस्बियन है, लेस्बियन मतलब लेस्बियन मतलब जो लड़की लड़की को पसंद करता है, लड़का 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 को पसंद करता है उसको गेव बोला जाता है।
और एक हिजरा भी हिजरा को प्यार करता है। जैसे हम बता रहे हैं जो उन लोग का हार्मोन का कमी होता है, कोई कोई जो भगवान जिसको जैसा बनाएगा वो ऐसा होता है, तो हमको लड़का से प्यार नहीं है, लड़की से प्यार है, तो इससे मेरा कोई गलती है नहीं है ना। नहीं, ये बात सही। देखिए मैम, मैं वो सब नहीं पूछूंगा जो और मीडिया वाले पूछ रहे हैं। हाँ। मैं जो मैं वही पूछूंगा जो रियल है। हाँ, आप दोनों का लाइफ खराब हो जाएगा, आपको पता है। इनका भी खराब होगा, खराब हो जाएगा, तो हम लोग 7 साल से एक साथ नहीं रहे थे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल और साथ में रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक साथ छोड़ना पड़ेगा। उसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा? ऑटोमेटिक छोड़ना पड़ेगा, ये तो आप बोल रहे हैं। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो आप हम लोग को छुड़ा देंगे वो वाला। मैं थोड़ा छुड़ा लूंगा, मैं क्या छुड़ा लूंगा। देखिए जो दुनियादारी है ना, आप अभी चल रही है, ठीक है, जब उम्र ढलेगा, सुनिए, दुनिया हमको खाना नहीं देता है, हम अपना मेहनत से खाते हैं, पहली बात है। ठीक है, जब आपका चेहरा डाउन होगा तो ना इनको आप अच्छी लगेगी ना आपको ये लगेगी। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया जाए एक लड़का लड़का साथ रह सकता है, एक लड़की लड़की के साथ रह सकता है। बोला नहीं है, कोर्ट भी बोल दिया है, कोर्ट भी बोल दिया है। हम लोग का कलकत्ता जो मुखिया है, जो ममता है, जो वो भी बोल दिया जो एक लड़का लड़का लड़की लड़की के साथ रह जाए, एक लड़का लड़का के साथ रह सकता है, तो हम दोनों रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए आपका हाँ, आप बोले जो जो आप बोले, हम मेरा अभी 22+ हो गया है, जैसे हम अभी मेरा जो खराब है, अच्छा है, बुरा है, हम चुन सकते हैं। ये तो आपका हक है ना, मैं बोल रहा हूँ, मगर मैं जो रियल है, जब आपका उम्र डालेगा, इनका उम्र डालेगा, तो आप एक दूसरे को भी पसंद नहीं। बात नहीं, प्यार प्यार होता है, ऐसा थोड़ा होता है ना, प्यार प्यार होता है। आपका 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 तो आपका शादी हो चुका है, शादी हो गया है, आपका वो बीबी छोड़ के भाग गया है क्या? आप थोड़ा अभी मेरा बीबी भाग गई, मेरा बुरा हो जाएगा थोड़ा, आप और भी देखने में खराब हो जाएंगे, आपका बीबी भाग जाएगा। मेरा बच्चे है ना, बच्चे की वजह से नहीं भागेगा ना। फिर भी अभी सब जगह में दिखा दे रहा है जो बीबी देवर का साथ भाग रहा है, इसका साथ भाग रहा है, राजमिस्त्री का साथ भाग रहा है, देखे ना। चलिए ठीक है, तो आपका ओपिनियन है, आपको जो करना है कीजिए, इसमें मानना है, मैं रोकने वाला हूँ ना सरकार ना कोई कोर्ट रोकने वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये बात है जो हम दोनों दोनों से प्यार करते हैं। आगे आगे मान लीजिए अगर आपको परिवार बढ़ाना हो तो उसका क्या प्लानिंग है आपका? एगो बच्चा हम लोग दत्तक लेंगे, जैसे गोद लेंगे, गोद लेंगे एगो बच्चा, गोद लेंगे। पहले ये बात है जो हम लोग और भी अच्छे से कमाए, जब हम ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं 10 महीने में 20,000-10,000 कमा लेते हैं, उससे नहीं होगा, और भी मेहनत करेंगे, और भी ज़्यादा कमाएंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो अभी कुछ ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा कमा के कुछ हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, उसका बाद बच्चा हम लोग अडप लेंगे। अच्छा मैम, आप लोग जैसे दोनों यंग है, तो दोनों के अंदर जो कुदरती फीलिंग आता है, हाँ, उसका क्या कीजिएगा आप लोग, आप बताइए ना। वो जो लड़का लड़की के साथ जो फीलिंग्स होता वही मान वही हम लोग का ऐसा फील नहीं आता है कि लड़का जो लड़की के साथ काम करता है वो टाइप का फील नहीं आता है। ना, तो कुदरत हमें बना ही दिया ऐसा कि फील आएगा ही ना, आप बोल रहे हैं फील ना, फील आता नहीं है, ये बात गलत है, फील आता है, दोनों में फील आता है, वही तो आता ही नहीं, फील आता है, हम बता रहे हैं, फील आता है, हम दोनों में ऐसा है जो हम लोग लेस्बियन है, हम लोग का जो हार्मोन होता है कम है, हम लोग का कम है, तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं, कैसा हम दोनों में सेक्स मतलब ऐसा आपको बर्दाश्त करके बर्दाश्त करते हैं, वो बात तो सही है। सेक्स हम लोग का उतना नहीं है जो ही है वो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों में इतना प्यार करते हैं, दोनों में एक बार देख लेंगे, एक बार हक करेंगे, इसमें हम लोग का काफ़ी है। अच्छा मैम, ये जो फोटो दिखाइए एक बार, सब आप ही लोग का फोटो है, कितने दिन पहले का फोटो है? ये 1 साल हो गया, 1 साल का पहले का फोटो है, ऐसा है ऊपर मामी पापा। अच्छा आप बताइए, आप इतना स्मार्ट लग रही है, आपको कैसे छोड़ दिया? आपसे नहीं, हम उसे तो प्यार करके शादी किए थे, थोड़ा और तब उम्र 16 साल की थी, थोड़ा वो तब 16 साल की थी, हम बता रहे हैं, मेरा गांव का लड़की है, हम तो जानते हैं, वो थोड़ा जैसे क्या है नॉर्मल टाइप का, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है, थोड़ा क्या बोलेंगे हेबला मतलब क्या होता है, सस्पिशन वाली, हाँ थोड़ा नॉर्मल टाइप का है, मतलब किसी से बात नहीं करता है इतना, तो इसको नहीं, अभी मीडिया के सामने तो पूरा बोल रही है, आप बोल रही है, बोलती नहीं ना, उस टाइम कैमरा के सामने 16 साल था, अभी थोड़ी ना, अभी थोड़ी, अभी 16 साल थोड़ी है, अभी तो 20 हो गया है। अच्छा चलिए ठीक है, आपके दोनों के जो परिवार वाले हैं उनको पता है कि नहीं कि आप लोग ये सब काम किए हैं? ना पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया है,
क्या बोले, कुछ बोलेंगे ना? पहले पहले तो बहुत कुछ बोलता था, अभी तो इंस्टाग्राम में इतना ना ज़्यादा सब कोई प्यार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो सब कोई जान गया है हम लोगों के बारे में। तो अभी देखते देखते ठीक हो गया, सब कोई बोलते बोलते मतलब क्या देख रहे हैं कि हम दोनों में इतना प्यार है, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए देख देख के बोलते बोलते चुप हो गया है और कुछ नहीं बोलता है आपको। तो चलिए ठीक है, आप लोग का जोड़ी ऐसे बना रहा है, मतलब देखिए बुरा मत मानिएगा, अपना फीलिंग बताएं, जो कुदरती फीलिंग है आप दोनों में कूट कूट के भरा हुआ है, मेरा में भी है, सब में है, और आप लोग अगर बर्दाश्त करके हैं तो सही है। अंत में आप क्या बोलिएगा मेरे ऑडियंस के लिए? हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग का तरफ मतलब हम लोग का जैसे लेस्बियन जो जो है उन लोग घर से मत भाग के जाए। आप लोग है ठीक है, मतलब आप अपने जैसे सबको मत बनाइए ना, हम लोग के पास कमेंट करते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग के पास लेस्बियन की तरफ इतना ना कमेंट आता है हम लोग का, तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि उन लोग यहाँ पे भी आने के लिए तैयार हो जाता है कि आप लोग गए हम लोग को भी लेके जाइए, हम लोग इतना हेल्प करो, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग बोलने के लिए चाह रहे हैं कि उन लोग भी ऐसा मत करे कि मम्मी पापा को दुख दे, मतलब घर से निकाले मत और फांसी मसी ना लगाए, ये सब हम लोग को कमेंट में आता है कि हम लोग देखते हैं मेरा इंस्टाग्राम में मेरा मैसेंजर में भर्ती हुआ है कि ये सब कमेंट आता है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग ना देखिए गलत कदम नहीं उठाना चाहिए आपको, जैसे रहना है सरकार भी पूरा छूट दिया रही है आपको, रोकने वाला ना इनको कोई रोके ना कोई, कमेंट करने दीजिए ना, कमेंट तो हमारे वीडियो पे लोग करते हैं तो क्या हम लोग का लेस्बियन है तो हम लोग का जैसे और भी फ्रेंड है हम लोग का जैसा, हम एक ही थोड़ी हम लोग अकेले है दुनिया में, कोई नहीं है, ऐसा बहुत सारा है, तो उन लोग के लिए वो बोल रहा है जे गलत काम मत उठाओ। चलिए ठीक है, तो ठीक है अब इन लोग का आप लोग जीवन ही देख रहे थे कि ये दोनों लड़की है, आपका नाम, मैं नाम नहीं पूछा दोनों का, आपका नाम? मेरा नाम है अर्चना करण है। अच्छा, मेरा नाम दीपा है। चलिए ठीक है, इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि ये लोग इनका जोड़ी बना रहे और ये साथ में रहना चाहती है तो रहे, और आप चाहे जेंडर चेंज कराने के लिए भी सोच रही है ना? जेंडर नहीं चेंज कराएंगे, उसका खुशी है मेरा खुशी है, वो बोला है जेंडर नहीं चेंज कराना है, तो लड़की देख के प्यार किए तो लड़की रहे यही हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे खुश रहे और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।